नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। गाजियाबाद के एक होटल में मनाई जा रही मेहंदी की रस्म जंग का अखाड़ा बन गई। बता दें कि होटल में एक युवक की हल्दी की रस्म चल रही थी, इसी दौरान डीजे पर कोई गाना बजाने को लेकर आपस में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि होटल स्टाफ ने रस्म निभाने आए परिवार की बेरहमी से पिटाई कर दी। मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला गाजियाबाद के थाना मसूरी के होटल व द ग्रैंड का है। मसूरी थाना क्षेत्र में जो आयरिस होटल है, इसमें एक शादी में डीजे बजाने के ऊपर वाद विवाद की घटना घटी, जो फिर बाद में मारपीट में कन्वर्ट हो गई। थाने पे सूचना मिलते ही जो घायल व्यक्ति थे उनका मेडिकल किया गया और उसी के आधार पर FIR रजिस्टर की गई। जो इसमें अभियुक्त थे जिन्होंने मारपीट की थी, उनमें से 9 लोगों को गिरफ्तार करके जो बचे हुए हैं उनको पकड़ने के लिए अभी टीमें गठित करके भेज दी गई है। और इसमें जो भी खबर हरियाणा के फरीदाबाद से, जहां 4 मंजिला इमारत बनाने पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि हरियाणा सरकार ने आदेश पर अब 4 मंजिला इमारत पर रोक लगा दी है, जिसमें बिल्डर और प्रॉपर्टी डीलर को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के उच्च अधिकारियों ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें स्थानीय अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई। हालांकि लोगों का मानना है कि आदेश के बाद मकान खरीदना और बनाना लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा और कंज्यूमर पे दोनों पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसका जो एवरेज आम पब्लिक पे पड़ेगी, जो पहले 4 फ्लोर बिकते थे अब वो 3 फ्लोर हो जाएंगे, तो वो उनका एड्रेस हो तो 3 फ्लोरों पे आ जाएगा और वो सारा कस्टमर पे पड़ेगा, तो कंज्यूमर को भी नुकसान है और बिल्डर को भी नुकसान है, दोनों को नुकसान है। देखो जी, पहले जो प्लॉट्स वगैरह मिल जाते थे सस्ते लेवल पे, तो उसमें एडजस्टमेंट हो जाती। जिस तरीके से आज महंगाई की वजह से प्लॉटों की एक तो कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है, और उसमें क्या करता था कि जो भी बिल्डर वगैरह अपना प्लॉट लेके 2-3-4 मंजिल 5 मंजिल तक जो बना लेता था, तो उसमें क्या है कि वो प्लॉट तो आदमी खरीद नहीं पाता था। सब पे फर्क पड़ेगा, बिल्डर पे भी, लोगों पर भी, सब पे फर्क पड़ेगा। सेल परचेज में दिक्कत आएगी, कॉस्ट बढ़ेगी, कंज्यूमर में दिक्कत आएगी, क्योंकि पहले बिल्डर क्या कि 4 फ्लोर बेचते थे, अब 3 ही बेच पाएंगे, उनको भी उनसे भी दिक्कत आएगी, उनको भी उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। पहले कम हो जाती थी, वो 4 फ्लोरों में कॉस्ट निकल जाती थी बिल्डर को, तो फर्क तो सभी पड़ना था। तो कितना निर्णय सही है ये? अगर जैसे एक अपने बच्चों के लिए एक मकान की ज़रूरत है, छत की ज़रूरत है, तो उसके लिहाज से कहें तो ये जो सरकार निर्णय लेके आई है, ये कहीं ना कहीं वो उसका जो सपना है घर लेने का, उसे दूर हो रहा वो, क्योंकि रेट बढ़ेंगे। जो वो एक 60 और 70 लाख का एक फ्लोर ले सकता है, अब उससे वो फ्लोर की जो व्यवस्था है वो नहीं मिल पाएगी, तो कहीं ना कहीं एंड यूजर के नज़रिए से सरकार का जो निर्णय देखो, जो रेजिडेंट्स पुराने सेक्टर्स के हैं उनके हिसाब से सही हुआ है, क्योंकि जो मकान है जिनके सिंगल स्टोरी बने हुए हैं, साथ में 4 मंजिल बन जाती है, तो वो क्या कहते हैं, उनके दरार आ जाती है, नुकसान हो सकता है, उनके हिसाब से ठीक है। लेकिन अगर हम बिल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये गलत फैसला है, यही कहना चाहते हैं। खबर यूपी के बुलंदशहर से, जहां फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी कर रहे शिक्षकों का मामला सामने आया, जिसके बाद BSA BK शर्मा ने 5 फर्जी शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया है, साथ ही उनके विरुद्ध FIR करने के निर्देश भी जारी किए। बर्खास्त किए गए 5 शिक्षक से वेतन भुगतान के 1.5 करोड़ रुपए की रिकवरी की जाएगी। यूपी के बुलंदशहर में BSA BK शर्मा ने 5 फर्जी शिक्षकों को किया बर्खास्त। फर्जी शिक्षकों पर FIR के दिए निर्देश, 5 शिक्षकों से वेतन भुगतान के 1.5 करोड़ रुपए की होगी रिकवरी। 2014 से फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर बुलंदशहर के प्राथमिक विद्यालय में कर रहे हैं नौकरी। बुलंदशहर से प्राइम टीवी न्यूज से संवाददाता इकराम खान। औरैया जिले में मुख्यमंत्री विवाह योजना के तहत जनपद तीसरा शादी समारोह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान करीब 224 गरीब कन्याओं के जोड़े की शादी धूमधाम से कराई गई। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अतिथि के रूप में BJP जिला अध्यक्ष सहित जिलाधिकारी मौजूद रहे, जहां कार्यक्रम की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि अब तक मुख्यमंत्री विवाह योजना के तहत 600 जोड़ों की शादी जनपद में कराई जा चुकी है।
और जनपद को करीब 1000 जोड़ों की शादी कराने का लक्ष्य मिला है। 1000 के आसपास हमें हमारा लक्ष्य है करने का, इसमें तीसरा कैंप है। अब तक हम लोग 646 कर चुके हैं और सभी से निवेदन है, इसके द्वारा आग्रह है कि और परिवार अगर शादी के लिए इच्छुक हैं तो वो अपने को रजिस्टर्ड करा लें। अभी मार्च में हम 2 कैंप और लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम 100% लक्ष्य की पूर्ति करें। और लक्ष्य कोई बाधा नहीं है, अगर इससे ज़्यादा भी आता हम इससे ज़्यादा भी विवाह कराने की कोशिश करेंगे। एतद् द्वारा सभी को हम लोग बधाई देते हैं उनके नवजीवन में प्रवेश का। प्रशासन खबर है बरेली से, जहां जहां रहने वाली सीमा द्विवेदी पत्नी विनोद कुमार द्विवेदी, जिनकी शादी 15 वर्ष पहले हिंदू रीति रिवाज के साथ धूमधाम से हुई थी, शादी के कुछ दिनों बाद ही महिला के साथ आए दिन दहेज को लेकर मारपीट और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का सिलसिला जारी रहा, जिसके बाद पीड़ित महिला ने अपनी जान बचाकर रायबरेली पुलिस अधीक्षक की चौखट पर पहुंचकर बच्चों को और अपने जान की सुरक्षा की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। हमको हमारी शादी के 2008 में हुई थी 14 मार्च को, शादी के हमारी 15 साल हो गए और हमारे पापा ने शादी में 2 बीघे खेत बेच के शादी की। 16 साल से हमको परेशान कर रखा, आए दिन बार बार के टॉर्चर करते, दवा के लिए पैसे भी नहीं देते। और आज आपके पति आपको परेशान करते? पति और ससुर, घर वाले, पूरे घर वाले पहले करते थे, लेकिन अब ससुर और पति चाहते हैं कि घर से निकल जाओ। खबर आए बरेली से, जहां उचाहर कोतवाली क्षेत्र के अखरा एचपी गैस एजेंसी के पीछे अज्ञात कारणों से जंगल में भीषण आग लग गई। बता दें कि आग लगने से हड़कंप मच गया है। वहीं आनन फानन में स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी है, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने ग्रामीणों की मदद से आग बुझाने में कोशिश में जुट गए। राजधानी लखनऊ में दबंगों ने नहीं रहा पुलिस का कोई भी खौफ। बता दें कि थाना विभूतिखंड स्थित साइबर हाइट्स बिल्डिंग के बैंड बी बार में देर रात जमकर मारपीट हुई है और इस दौरान युवकों ने जमकर लाठी डंडे चलाए और बार स्टाफ को भी जमकर पीटा। पूरी घटना के बाद भी विभूतिखंड पुलिस नदारद रही। आपको बता दें कि पूरे मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई की बात कही है। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां के लोहिया भवन में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 पर बनी फिल्म का प्रसारण कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर खेल एवं युवा कल्याण विभाग राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव पहुंचे। वहीं इस दौरान राज्य मंत्री ने अपनी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि पहले जो उत्तर प्रदेश था वहाँ लोग जाना नहीं चाहते थे, अब हमने पूछा क्यों नहीं जाना चाहते थे तो लोगों ने बताया कि बिगड़ती कानून व्यवस्था, पिछली सरकार ने इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर संबोधित करते हुए राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने विपक्ष पर जमकर तंज कसा। राज्य मंत्री है गिरीश चंद्र यादव जी, जो कि अंबेडकर नगर में पहुंचे हैं, उनसे जानकारी चाहेंगे कि आने वाले दिनों में गरीबों और मजदूरों और व्यापार से संबंधित बेरोजगारों के लिए ये कितना आगे चलकर कितना अच्छा रहेगा और बेरोजगारों का क्या होगा। आप अभी इन्वेस्टर समिट ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है, जो लगभग 35 लाख पावर में जाकर आप इससे समझ सकते हो कि उत्तर प्रदेश के गांव में रहने वाले नौजवान हों, किसान हों, गरीब हों, हो ऐसे सभी उनके जीवन में बदलाव करते हैं और उसी के साथ साथ 1 करोड़ रोजगार के भी सृजन। इस दिशा में ये जो इन्वेस्टर समिट को बन रहा है उत्तर प्रदेश के विकास की गति को तीव्रता के साथ आगे बढ़ाएगा, उत्तर प्रदेश नई ऊंचाइयों तक जाएगा और समाज में सामाजिक परिवर्तन। खबर सुल्तानपुर से, जहां रविवार को रेल प्रशासन के तुगलकी फरमान के खिलाफ लोको लाबी के सामने रेल कर्मियों ने प्रदर्शन किया और रेल प्रशासन ने निर्देश पर दिए हैं कि सभी लोको पायलट टिंगिंग रूम में मोबाइल जमा कर ड्यूटी पर जाएंगे।
जिससे नाराज होकर कर्मियों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। बता दें कि रेलवे प्रशासन ने कहा कि मोबाइल बंद करके लोको पायलट ड्यूटी करेंगे और रेस्ट के दौरान भी मोबाइल जमा रहेगा। इस क्रम में लोको पायलट वीके मौर्य ने रेस्ट के दौरान फोन पर परिवार से बात करने पर सस्पेंड कर दिया गया। इस बात को लेकर लोको पायलटों में स्टेशन परिसर में स्थित पायलट प्लेटफॉर्म पर एक लॉबी के सामने प्रदर्शन किया। हमारी मांग रेलवे सेफ्टी को लेकर के है कि रेलवे की सेफ्टी का बहाना बना करके हमारे सीनियर डीएमई ओएनडीएफ उत्तर रेलवे लखनऊ महोदय एक हमारे लोको पायलट को सस्पेंड कर दिए। मैं प्रशासन से ये जानना चाहता हूँ कि मैं भी एक सामाजिक प्राणी हूँ, हमारे लिए आर्डर है कि जब आप साइन ऑन करिए किसी भी ट्रेन के लिए तो अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए। ठीक, जब हमारा अराइवल हो जाएगा डेस्टिनेशन तक जहां हमको गाड़ी लेकर के जाना है। इस खबर पर हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, ड्यूटी के दौरान मोबाइल चलाने पर पाबंदी लगाई है, लोको पायलट ने अपना इस पे एतराज जताया है और इस पे बराबर प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरी ये क्या खबर है? जी बिल्कुल, आपको बता रहे अभी हाल में जल्दी में ही यही सुल्तानपुर में भोर की घटना थी। वो घटना जो है बेहद घटना रही, जिसका जो है मालगाड़ी आमने सामने की टक्कर, उसमें कुछ लापरवाही जताई जा रही है, उसी को लेकर आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन हुआ था, जिसको लेकर कहना ये हो रहा था अधिकारी द्वारा जो भी अगर फोन आते हैं या सीवीजी नंबर जो उन लोग को मिलते हैं उनके परिवार के द्वारा अगर बातचीत हो रही है उसमें पाबंदी तो नहीं लगानी चाहिए, लेकिन अगर कुछ अगर लापरवाही देखने में मिल रही है लापरवाही को जो है वहां पे जो है उसको जो है सख्त कार्रवाई की जाए, ये उन लोग की मांग उठाई जा रही थी, इस तरह की बात उन लोग की खुल के आ रही है सामने। इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। खबर फरीदाबाद से, जहां के सिविल अस्पताल में लापरवाही सामने आई है। यहां डिसेबिलिटी प्रमाण पत्र बनवाने के लिए दिव्यांगजनों को काफ़ी भटकना पड़ रहा है और दिव्यांगतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि जिला उपायुक्त ने प्रमाण पत्र बनाने के लिए अस्पताल के विशेष कैंपों को बनाने का आदेश दिया था, लेकिन उनके आदेश का पालन नहीं किया गया, जिस वजह से दिव्यांगजनों को इधर उधर भटकना पड़ता है। बता दें कि इन कैंपों का आयोजन इसलिए किया गया था ताकि मरीज सहज तरीके से प्रमाण पत्र बनवा सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके चलते दूर दराज से मरीजों का काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, तो इन्होंने क्या बताया कि बीके चले जाओ? हाँ जी, बीके चले जाओ। तो क्या बनवाना था आपको? आइडेंटिटी कार्ड की बोल रहे थे। ये आपको दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाना था? हाँ। ऐसा वाला? हाँ। तो कुछ मिला यहाँ पर? कोई कैंप लगा हुआ बीके में कहीं? तो डीसी के ऑर्डर हैं लगाने चाहिए, लेकिन लगा नहीं है। कहाँ से आए आप? नाम? जी 26 को विकलांग के वो दिव्यांगों के प्रमाण पत्र बनेंगे, निःशुल्क, कोई भी आके लग सकता है। हम आए हैं, हम 30 सेक्टर भी गए थे, वहाँ भी मना कर दिया, यहाँ देखा तो यहाँ है नहीं कोई। तो डीसी के ऑर्डर हैं, बावजूद उसके बीके में भी नहीं लगा हुआ? नहीं जी, मेरे पास वो कटिंग है पेपर की। नहीं, पेपर में बाकायदा आया है, डीसी के ऑर्डर थे कि लगना चाहिए था 24, 25, 26। हम तो परेशान हो रहे, हम तो 30 ट्रैक्टर भी हुए, 30 भी हुए वहाँ भी नहीं है। वहाँ बता दीजिए उनको हो रहा आँखों का, विकलांगों को नहीं, विकलांग का पैर में दिक्कत है, पैर से चल नहीं पाते आप? पैर पूरा सुन्न पड़ा है। कहाँ कहाँ गए थे आप लोग? अभी 30 सेक्टर गए थे, 30 में कह रहे आँखों का बनता और यहाँ पे कोई है ही नहीं। तो क्या हो गया था पैर में, कब हुआ था? 11 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था, उसमें दिव्यांग हो गए आप, पैर खराब हो गया आपका, और जख्म हो रहा ना, पता नहीं जख्म हो रहा है, घाव बन रहा है, वो भर नहीं रहा, कह रहे जब तक ब्लड नहीं चलेगा तब तक वो नहीं रहा। तो बीके में आप आए, कुछ नहीं मिला आपको? इससे पहले नहीं बना हुआ आपका? खबर लखनऊ से, जहां नगर विकास मंत्री ने नगरों की साफ सफाई और सौंदर्यीकरण को बेहतर बनाने के लिए व्यवस्थापन की समीक्षा की है और इस दौरान योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रत्येक नगर निगम में 3 पार्क और नगर पालिका परिषदों में 2 पार्क तथा नगर पंचायतों में 1 पार्क चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं और साथ ही पार्कों में शुरू हो रहे योगा दिवस एवं आयुष चिकित्सा कार्यक्रम के लिए भी सुचारू रूप से व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। बता दें कि वाराणसी में होने वाली G20 की बैठकों के लिए बेहतर व्यवस्था और हरियाली बढ़ाने के निर्देश दिए। वर्चुअल मीटिंग किया, विशेष रूप से उन्हें G20
और ऐसे हमारे जो वैश्विक कार्यक्रम हुए उनके मद्देनजर जो हमने वैश्विक नगर बनाने का जो कार्यक्रम चलाया था उसमें जो काम हुआ है उसके लिए हमने उनको बधाई भी दी। खास करके आगरा और लखनऊ में हमारा जो G20 का कार्यक्रम हुआ, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का कार्यक्रम हुआ, उसके जो मेहमान आए थे, हमारे पूरा वैश्विक समुदाय हमारे उत्तर प्रदेश की धरती पे उतरा हुआ था। यूएसपी विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या के बाद योगी सरकार की तरफ से पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह आज परिजनों को साठ ढांचस बनाने उनके यहां पहुंचे। उन्होंने मृतक उमेश पाल की पत्नी जया पाल और मां शांति देवी से बातचीत की और इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में पूरी सरकार उनके साथ है और साथ ही सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी बातचीत हुई है। पूरी घटना को लेकर उन्होंने साफ किया है कि आप परिजनों को आश्वस्त करिए कि आरोपियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। जिन लोगों ने भी इस घिनौने वारदात को अंजाम दिया है उनको उनके अंजाम तक हर हालत में पहुंचाया जाएगा। उन्होंने ये हरकत की है, घिनौनी हरकत की है, उनको बख्शा नहीं जाएगा और परिवार को आप आश्वस्त करके आइएगा कि जो सरकार को करना है वो करेंगे और इन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। और मैं जानता हूँ कि योगी सरकार के अंदर माफियागिरी कोई चला नहीं सकता और किसी ने ये दुशासन किया है इतना बड़ा, वो सांप के फन को दबाना भी सरकार को आता है, वो दबाई। गाजियाबाद पुलिस ने एटीएम फ्रॉड करने वाले एक गिरोह के दो लोगों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी अजहर और शादाब के पास से 72 अलग अलग बैंकों के एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। यह एटीएम कम जानकार लोगों को मदद के बहाने बहला फुसलाकर उनका कार्ड बदल लेते थे। अजहर और शादाब बी फार्मा कर रहे थे, बावजूद इसके लोगों को ठगने का काम किया करते थे। से दो अभियुक्त अजहर और शादाब पकड़े गए हैं। ये एटीएम का फ्रॉड करते थे। इनके पास से कुल 72 एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं जो जिसमें सभी राष्ट्रीय बैंकों, अंतर्राष्ट्रीय बैंकों, निजी बैंकों, हर बैंकों का कई कई एटीएम कार्ड इनके पास है। ये एटीएम की कम जानकारी रखने वाले लोगों को टारगेट करते थे, उनसे मदद करने के बहाने उनका एटीएम कार्ड बदल लेते थे और उसके द्वारा फिर ये इनके पास एक POS मशीन था, उसके थ्रू वो जो एटीएम कार्ड उन लोगों से लेते थे उससे। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना है। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV। नमस्कार।